कर्तव्य पथरु विजय पथ मुर्मूंक महाशपथ रायरंगपुरु रायसीनार महाराणी देशर नुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण परे सर्वोच्च कमांडर को राष्ट्र उद्देश्य रे संदेश कार्य पालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगी। ओडिया प्रीति सांगो को उत्कल माटी रो शौर्य साहस उ संघर्ष रो पराकाष्ठा रेडाखोल रो पत्थर गुंफा भितरे बसी संत कवि भीमभोई सेदिन लेखि जाइथिबा कालजयी कविता मो जीवन पछि नरके पड़ी था जगत उद्धार होकु राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण रे स्थान दिछंती जाहाकु शुणि करताली शब्द रे गुंजरित होइछि संसदर सेंट्रल हॉल। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीमभोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछि नरके पड़ी था जगत उद्धार अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। भारत स्वाधीनता संग्राम को पाइक विद्रोह सांताल विद्रोह कोल भील विद्रोह सशक्त कर तेणु स्वाधीनता संग्रामी माने आजाद हिंदुस्तान रो नागरिकों ठार जहाँ चाहूँ ताकू पूरण करिया पाई आमको पूरा दमरे काम करिया को पड़िबो। सांथाल क्रांति पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रोत्तर संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। सभी को जोहार जुहारु नमस्कारु भाषण आरंभ करितिबा द्रौपदी समाज रो सबु वर्गों को प्राथमिकता देतिबा बेले निजरो उपलब्धि भी बखाणचुंती। मुमर जीवन यात्रा ओडिसा रो गोटिए छोटिया आदिवासी गांरु आरंभ करितिली। मु जेउ पृष्ठभूमि रो आसीची सेठारे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करिबा भी गोटिए स्वप्न। अनेक घात ओ प्रतिघात सत्वे मु दृढ़ मना होई पढ़ितिली एवं आम गांरो प्रथम झियो भाबे कॉलेज जाइतिली। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मु जनजाति समाज रु आसी तथापि मु वार्ड काउंसिलर रु राष्ट्रपति हेबार सौभाग्य पाई। यहाँ गणतांत्रिक देश भारत बर्षर महानता। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। खाली ये कि नुहे राष्ट्रपति पद रे पहुंचबा मोर व्यक्तिगत उपलब्धि नुहे, यहाँ प्रत्येक गरीबंकर उपलब्धि। मोर निर्वाचित हेबार अर्थ देश रे गरीब माने स्वप्न भी देखि परिबे एवं यहाँ पूर्ण मध्य करि परिबे बोली कहिछंती नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। एतिसह गरीब पछुआ वर्ग एवं आदिवासी माने मते निचरो प्रतिनिधि भाबे देखिथिबारु से खुशी प्रकाश करिछंती। हमरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब दलित पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते। निज अभिभाषण रे नुआ दिशा आड़ को बढ़ी सारिथिबा न्यू इंडिया रो कथा मध्य कहिछंती द्रौपदी। एथिसह आगो को युवपीढ़ी को आगर थिबा आह्वान भी बखाणिछंती। कोविड विरुद्ध रे भारत रो लड़ाई विश्व दरबार रे परिचित होई परिछि। विश्व रे भारत रो प्रभाव बढ़िछि। प्रतिटि क्षेत्र रो विकास रे भारत नुआ अध्याय जोड़ी बारे लागिछि। युवपीढ़ी देश रो भविष्यत पाई मध्य मूलदुआ आवश्यक बोली कहिछंती राष्ट्रपति। संविधान को दृष्टि रखी निष्ठार सह काम करिबा एवं पछुआ वर्गों को विकास ही तांकर मूल लक्ष्य बोली मुक्त कंठरे उद्घोषण करिछंती द्रौपदी। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने के करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का
सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नई मापदंड भी स्थापित की। संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦେଶ ଏବେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।